ऐसे बच्चों को चुन करके जो किसी की जरूरत है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है, अगर सब लोग मिलकर उनकी सहायता करें तो निश्चय है कि समाज का थोड़ा सा तो रूप बदलेगा, शहर का कुछ रूप बदलेगा, उन बच्चों को अवसर मिलेगा जो बेचारे आर्थिक कठिनाई की वजह से पढ़ नहीं पाते। इजाजत दी अभी मेरे पास बैठे हुए और कहने लगे कि मैंने इस बार 3 लड़कियों को गोद लिया है, तो पैंडमिक में वो बेचारे आ नहीं पा रहे, पता नहीं कब से स्कूल खुलेगा, लेकिन अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं थोड़ा स्वास्थ्य भी और आर्थिक तंगी भी होती जा रही है, अब ये मेरा लास्ट है, इसके बाद नहीं। मैंने कहा जी से कहा आपने पिछली बार भी यही कहा था, अब ये मेरा लास्ट है, आगे से हम किसी को दूर नहीं करेंगे, लेकिन इस बार फिर आपने दिया और आगे भी आप ले, ये कहने की बात नहीं है, ये अंदर की बात है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रशंसा वर्ष नहीं फिर कह रहा हूँ, ये इसका स्वभाव है, अगर आपके स्वभाव में वो बात आ जाए कि हमें किसी की मदद करना है, किसी को उसका दिल नहीं उठाना है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी है, लोग किसी के शिकार हैं आज दुनिया में, आप अच्छे कपड़े को पहने, मेरी कमी आपसे ज्यादा होती क्यों दिखाई देती है, किसी के लिए परेशान, ये नहीं कि मैं की और उजली को पहन लू, उसकी चिंता नहीं, आगे बढ़ने का जो प्रयास लोगों के मन में, नौजवानों के मन में होना चाहिए वो खत्म है, कम हो रहा है, उस प्रयास में ये रीजन ग्रुप जो काम कर रहा है बहुत ही सराहनीय है, मन को नीति को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और साथ में ये भरोसा दिलाता हूँ कि जब भी हम लोगों की जरूरत होगी, जिस रूप से भी जरूरत होगी, हम लोग हमेशा तैयार हैं, आर्थिक रूप से भी जरूरत होगी तो हम लोग आगे आएंगे, आप मदद करेंगे, आप भी स्पीक में अच्छे टीचर्स को जोड़िए, इंग्लिश टीचर्स को एक इंग्लिश टीचर्स को और जोड़िए जो उनको आपके साथ काम करने में उनको अच्छा जिनको लगे, तो नेचुरली थोड़ी संख्या बढ़ेगी, जहाँ आज 30 बच्चे 35 बच्चे आते हैं वहाँ 50 आएंगे 60 आएंगे और ये आयाम बढ़ता जाएगा, तो लोगों को फायदा होगा, बच्चों को फायदा होगा, और जब ये बच्चे आगे बढ़ते निकलेंगे पढ़ के उनको अवसर जब मिलेगा तो हमें खुशी होगी। टीचर के लिए सबसे बड़ा सुख ये होता है जब कोई उसका पढ़ाया हुआ बच्चा कहीं ऊंचे जगह पहुंचता है। एक दिन मैं पढ़ रहा था अखबार में और अचानक टीवी न्यूज में आया कि ये जो 5 रफेल आए थे जो जहाज आया फ्रांस से अंबाला उसमें हिलाल अहमद राठल एक जहाज लेके आया और मैंने फिर पता किया सभी के स्कूल में रोका, फोन किया अपने किसी दोस्त को, अभी वही हिलाल है और ये इज अ टीम लीडर, नॉट ओनली ही हैज फ्लोन द प्लेन बट इज अ टीम लीडर ऑफ ऑल 5 टीम, तो इससे बड़ी क्या खुशी होगी। मैंने तुरंत उसका फ्रांस का नंबर दिया और उसको फ्रांस फोन किया, वापस चला गया था, 3-4 दिन बीत गए, तो उसने एक्नॉलेज किया कि यस सर आई एम द सेम स्टूडेंट फिलहाल अहमद राठल फ्रॉम श्रीनगर अनंतनाग का उत्तर लगता है, तो सबसे बड़ी खुशी है टीचर की। और क्या कितना धन इकट्ठा कर लेगा और क्या करेगा, अरे एक दो मकान हो जाए खाने के लिए, पैसे हो जाए समाज में घूमने के लिए, आपकी जरूरत की चीजें आपके पास, लेकिन ये जो कमाई है ये दूसरा नहीं कमा सकता, तो चाहे IAS अफसर हो चाहे डॉक्टर हो इंजीनियर हो, वो नहीं कमा सकता जो टीचर कमाता है। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बहुत बधाई।